हेलो, गुटन आबन वी गेट एस या श्लोक अवंतिका वी गेट एस गेटेस मैम नाइन गुटन टाग या ओके गुटन आबन गुटन टाग एंड वी गेट एस हाउ आर यू डांको मैम हैप्पी प्रीमा प्रीमा डांको प्रीमा या वेरी गुड डांको प्रीमा या ओके याद है सबको हमने जो ये पढ़े थे जो वी गेट एस के लिए ये सवाल है देखो आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स वी गेट एस ऑर्डर इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन हाउ वी कैन आस्क दिस वी गेट एस डियर ओके हाउ आर यू इफ देयर इज ओनली सिंगल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू अभी हमारा पूरा क्लास है सो मैं ऐसे पूछती हूँ कि वी गेट एस ओके ऑर्डर वी गेहन जी ओके सो इन रिस्पॉन्स हाउ यू कैन आंसर इज डांक गुट डांक प्रिमा डांक श्लेष्ट श्लेष्ट सैड डांक जोलाला जोलाला मतलब ठीक है थोड़ा अच्छा हूँ थोड़ा कुछ नहीं मतलब ऐसे कुछ हैपनिंग लाइफ में कुछ नहीं है ऐसे जब आंसर करना होगा तो इसमें से कुछ आ जाता है ठीक है नाउ आई विल प्रेजेंट द स्क्रीन फॉर टुडेज लेक्चर प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज विजिबल गिव मी अ मोमेंट Yeah. Is the screen visible? Please write in the chat box. Is the screen clearly visible to you? Okay. So. इन द लास्ट लेक्चर हमने आइन 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 ये तीन चीजें पढ़ी थी याद है एकदम एंड में हमने ये किया था मैंने बोला था कि थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड है तो जैसे हमने देर दी दास ये आर्टिकल किए हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स ओके तो देर फॉर मस्कुलीन दी फॉर फेमिनिन उंड दास फॉर न्यूट्रल राइट न्यूटर ये हमने तीन पढ़े थे कि देर दी दास ये डेफिनेट आर्टिकल्स है और हर एक आर्टिकल किस चीज के लिए है वो हमने देखा था पहले ही और जो लास्ट वाला दी होता है जैसे कि यहाँ पे दी पोलिसाई आउटोज लिखा है तो वो जो दी है दैट इज फॉर प्लूरल प्लूरल के लिए हम हर एक नाउन के पहले दी ही लगाएंगे इसी हिसाब से हमने आइन आइन और आइन ये तीन चीजें भी पढ़ी थी क्विकली रिवाइज कर देती हूँ जब मास्कुलिन होगा मतलब जब डेफिनेट आर्टिकल देर होगा तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे आइन ओके सिमिलरली फेमिनिन के लिए डेफिनेट आर्टिकल होगा हमारा दी उस हिसाब से हमारा फेमिनिन इनडेफिनेट आर्टिकल होगा आइन दास जब न्यूटर होगा तब डेफिनेट आर्टिकल होगा और आइन ये इनडेफिनेट आर्टिकल होगा जब न्यूटर फेज में या न्यूटर नाउन में हमारी कैटेगराइजेशन होगी नाउन की ओके तो ये हो गया आइन आइन और आइन का सिमिलरली हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव फॉर्म में डालना है ओके आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा निगेटिव सेंटेंसेस राइट तो उसमें जैसे हम लोग यूज करेंगे सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देखना है कि जैसे आइन के लिए हम लोग काइन यूज करते हैं निगेटिव फॉर्म में जाने के लिए काइन काइन मतलब नहीं तो हमने दो देखे थे ऐसे वर्ड्स काइन और निष्ठ ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो अगर आपको कोई भी सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अब यहाँ पे काइन का भी हमें कौन से हिसाब में है वो वेदर इट इज मास्कुलिन ओडर फेमिनिन ओडर न्यूट्रल उस हिसाब से हमें चेंज करना होता है जैसे कि काइन काइन एंड काइन देर दी दास आइन आइन आइन
सिमिलरली काइन काइन काइन, और अगर प्लूरल हो तो हम काइन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आइन प्लूरल के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आइन का मतलब सिंगल होता है. ओके, आइन गेल्ड ऑटोमैट, एक एटीएम मशीन, आइन जेंगरीन, एक सिंगर. ओके, तो एक के बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग एक और प्लूरल ऐसा में यूज कर सकते हैं ना. जैसे यहाँ पे है पुलिस ऑटोज, पुलिस ऑटोज ये प्लूरल है राइट, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते आइन पुलिस ऑटोज, आइन पुलिस ऑटोज, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि एक पुलिस ऑटोज ये प्लूरल है और आइना का मतलब एक होता है, तो इस हिसाब से आइन और प्लूरल ये नहीं जाता. लेकिन काइन पुलिस ऑटोज हो सकता है कि एक भी पुलिस की कार वहां पे मौजूद नहीं थी, ऐसा जब हम लोग बोलते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस में जाने के टाइम हम काइन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सामने है वो देख लीजिए स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल. जब तक हमारा ग्रामर चालू है, कोई भी हमें सेंटेंस बनाना हो, कुछ भी लिखना हो, तब तक हमें ये सारी चीजें लगेंगी. देखने में बहुत आसान लगता है, कुछ नहीं है स्क्रीन पे इतना ज्यादा, देर दी दास तो हमने पहले ही पढ़ा है, आइन 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 भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कर लीजिए, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ही आपका पूरा सेंटेंस बनता है. ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम फीमेल और सम फेमिनिन नाउन, फेमिनिन वर्ड के बारे में बोल रहे हो और उसके पहले अगर आपने सेंटेंस में आइन लगा दिया सिर्फ, तो वो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है. और हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारा वर्ब जो है वो नाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट होता है, अलग अलग वर्ब हो जाता है, तो अगर पहले ही गलती हो गई तो वो वर्ब गलत हो जाता है और उसके बाद पूरा अगला सेंटेंस गलत हो जाता है. इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ओके, इसमें अभी नया वर्ड तो कोई नहीं है, गेल्ड ऑटोमैट वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज गेल्ड ऑटोमैट. या रिमेम्बर गेल्ड ऑटोमैट का मीनिंग एटीएम. या वेरी गुड श्लोक, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दो माइक ऑन के, अगर सब लोगों ने एक साथ माइक ऑन कर दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, इसलिए चैट बॉक्स में लिख लीजिए या अपना नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन टेल यू टू स्विच ऑन योर माइक. राइट, एटीएम मशीन. और गेल्ड का मतलब या गेल्ड ऑटोमैट इज एटीएम मशीन वाज बेडाइटेड गेल्ड. वेरी गुड. मनी, जेंगेरीन तो हमें पता ही है, क्लाविर, क्लाविर भी हमने पढ़ा है, दस क्लाविर पियानो. या इश स्पील गेर्न क्लाविर, ऐसा हमने पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन, जब हम लोग इंट्रोडक्शन का टॉपिक ले रहे थे तब एक इंसान को पियानो प्ले करना अच्छा लगता है, ऐसा उसका सेंटेंस था, तो उसमें उसने ये ऐसा सेंटेंस था, इश पील अगेन क्लाविर. देन पुलिसाई आउटोस, पुलिस वैन, पुलिस ऑटो, तो इसमें आउटोस पुलिसाई भी आपको पता ही है, पुलिस की जो वैन होगी वो, और क्योंकि प्लूरल है आउटोस, दास आउटो, दी आउटोस. ओके, सो दिस इज अ डायलॉग, We will see कि हमें इसका मीनिंग सिर्फ ये देख के कैसा कैसे आ रहा है. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू फर्स्ट रीड दिस कम्प्लीट डायलॉग एंड देन वी विल सी हाउ हम मीनिंग किस कैसे इंटरप्रिट कर रहे हैं. श्लोक उन रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक. यस या जो ऐसे सर्कल में डॉट दिया है वो श्लोक पढ़ेगा और जो स्क्वायर शेप कुछ है वो रिया पढ़ेगी. ठीक है, सो श्लोक प्लीज स्टार्ट. क्या डालोगे आप यहाँ पे अभी मैम? वर्जन ऑटोमैट. व्हाट मैम? वर्स्ट वर्शन ऑटोमैट. ओके, ये लास्ट वाला बोल रहे हैं व्यूटशन ऑटोमैट. हाँ मैम. ओके ओके, नहीं अभी ये सेंटेंस है ना, ये पूरा एक डायलॉग में जाएगा पहले, तो कैसा है ये, इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ. आपने माइक ऑफ किया तो भी चलेगा अभी दोनों ने.
मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ. फरसायुंग या बिटर द कॉम्प्ट काइन ज़ाफ्ट. ज़ाफ्ट का मीनिंग हमें, हम एक एक वर्ड का मीनिंग बाद में देखेंगे. द कॉम्प्ट काइन ज़ाफ्ट मतलब ज़ाफ्ट जो है कुछ वो आ नहीं रहा है. कॉम्प्ट का मीनिंग हमें पता है. इस्ट देर ज़ाफ्ट ऑटोमैट कपुट, जैसे हमने गेल्ड ऑटोमैट के बारे में पढ़ा था, मनी मशीन तो एटीएम मशीन हुआ, वैसे जो ज़ाफ्ट है उसका मशीन कपुट मतलब नॉट वर्किंग. ओके या ब्रोकन. दासिस्ट काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट ये निगेटिव सेंटेंस है, इसका मीनिंग होगा कि नहीं ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट नहीं है. दासिस्ट आइन बियर ऑटोमैट, ये बियर ऑटोमैट है. दासिस्ट काइंड अब पहले वही सवाल पूछेगा, वो कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है. दासिस्ट काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट, ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट नहीं है. नाइन. दास इस्ट आइन बियर ऑटोमैट, देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट इस्ट डॉर्ट. ये पूरा सेंटेंस कैसे जाता है बताती हूँ मैं. नाइन, नहीं ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट नहीं है. देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट मतलब ज़ाफ्ट ऑटोमैट जो है दैट इज देयर डॉट देयर टी एच ई आर ई देयर वहां पे है, वो बोलने के लिए हम लोग जो देयर यूज करते हैं ना दैट इज डॉट. तो देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट इज डॉट. ओ डंको. ओके इज द डायलॉग क्लियर? अब भी पता चला कैसे डायलॉग गया? कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए अभी. यस मैम प्लीज रिपीट वंस अगेन, आई कांट अंडरस्टैंड. ओके ओके श्योर, आई विल रिपीट द डायलॉग. हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग अभी नहीं जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेंगे. पहले इतना समझ लीजिए कि ये डायलॉग दो लोगों के बीच में है. पहला एक्सक्यूज मी या बिटर जी कहिए. द कॉम्प्ट काइंड ज़ाफ्ट, ठीक है, ज़ाफ्ट का मीनिंग होता है जूस, हमने पढ़ा था. ज़ाफ्ट इन प्लूरल ज़िफ्ट. तो द कॉम्प्ट काइंड ज़ाफ्ट, जूस आ नहीं रहा है. इज़ देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट कपुट मतलब ज़ाफ्ट ऑटोमैट जो है मतलब जूस के लिए जो मशीन है वो खराब हो गया है क्या? दासिस्ट काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट, ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट नहीं है, ऐसा सामने वाला बोल रहा है. दासिस्ट आइन बियर ऑटोमैट, ये बियर के लिए मशीन है. दासिस्ट काइन ज़ाफ्ट ऑटोमैट, पहले वाला अभी एक्सप्रेशन दे रहा है कि क्या ये जूस का मशीन नहीं है. तो जो दूसरा वाला था जिसको पता था कि ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट नहीं है वो बोल रहा है अभी. नाइन. दासिस्ट काइन ज़ाफ्ट ऑटोमैट, देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट इस्ट डॉर्ट. ठीक है, मतलब ये जो है ये ज़ाफ्ट ऑटोमैट या जूस का मशीन नहीं है, जूस का मशीन वहां पे है. और फिर अगला इंसान बोलता है ओ डंक, जिसको सवाल था कि क्या जूस का मशीन खराब हो गया है क्या, ऐसा जिसे सवाल था उसने ये क्लियर कर दिया. इज इट क्लियर? अभी सबको डायलॉग क्लियर हो गया होगा तो एक बार फिर से हम लोग सिर्फ यही डायलॉग ट्राई करते हैं. श्लोक और रिया, आप पहले जो ज़ाफ्ट ऑटोमैट और बियर ऑटोमैट यही लेके डायलॉग कंटिन्यू कीजिए प्लीज. ओके मैम, मैं अभी स्क्वायर वाला पढूं? नहीं नहीं, स्क्वायर वाला जो है ना उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. ओके वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इसलिए पहले तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा जो सामने है. फिर जेलू फरसायुं, फिर चायलुं, या बेटे दास्ट कॉम काइंड ज़ाफ्ट, इज देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट कपुट, दास इज काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट, दास इज टाइन बियर ऑटोमैट, दास इज काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट, नाइन दास इज बियर ऑटोमैट, देयर ज़ाफ्ट ऑटोमैट इज डॉट. ओ डंक या वेरी गुड. अभी जो नीचे वाला बॉक्स है ना वो किस लिए है मैं बताती हूँ. अभी एक डायलॉग तो हमारा ज़ाफ्ट ऑटोमैट और बियर ऑटोमैट इनके बीच में हो गया, तो जो ये फर्स्ट लाइन है ना वो तो हमारी क्लियर हो गई. राइट, मेरा एरो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको? हाँ, ये काइंड ज़ाफ्ट ऑटोमैट और बियर ऑटोमैट इतना हो गया. अभी हमें क्या करना है? काइंड काउगुमी ऑटोमैट और गेल्ड ऑटोमैट, ठीक है, ये पढ़ना है. अब ये कैसे हम लोग करेंगे कि एक इंसान जो फरसायुंग या बिटर तो एज इट इज रहेगा,
उसके बाद वाला जो लाइन है वो सिर्फ बदलेगी, कैसे बदलेगी, द कॉम्प्ट काइन काउगुमी इस्ट देर काउगुमी ऑटोमाट कपुट दस इस्ट काइन काउगुमी ऑटोमाट दस इस्ट आइन गेल्ड ऑटोमाट दस इस्ट काइन काउगुमी ऑटोमाट नाइन दस इस्ट आइन गेल्ड ऑटोमाट देर काउगुमी ऑटोमाट इस्ट डर्ट ओ डंक। ऐसा हमें पूरा ये जो सेकेंड लाइन है ना इसमें से वर्ड्स उठा के सिलेक्ट करके इसमें डालने हैं, ठीक है, एक के बाद एक, मतलब काइन काउगुमी काउगुमी ऑटोमाट ऐसे, और उस हिसाब से हमें वो पढ़ते जाना है जो डायलॉग है वो। समझ में आ गया? अभी ये काउगुमी का तो मैंने कर दिया था पर फिर भी हम लोग पहले इसकी एक बार रिविजन कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दो पे जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? अभी क्या करना है वो पता चला? भी लेक्चर में हम लोग तीन ही लोग हैं तो अवंतिका एंड रिया। यस मैम। अभी रिया आपने दूसरा वाला पढ़ा था ना, अभी आप रिया फर्स्ट आयुम से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, फेरजियम या बिटो द कॉम्प्ट काइन काउगुमी इज देयर काउगुमी ऑटोमेट कपुट दास इस्ट काइन काउगुमी ऑटोमेट दास इस्ट आइन गेल्ड ऑटोमेट दास इस्ट काइन काउगुमी ऑटोमेट नाइन दास इस्ट आइन दास इस्ट आइन गेल्ड ऑटोमेट देयर काउ काउ ऑटोमेट इज डॉट ओ डंक। या ओके, वाज बेड आई टेक काउगुमी काउगुमी बेड आई टेक च्युइंगम। ओके, सो काउगुमी मतलब च्युइंगम, और च्युइंगम के लिए जो मशीन होगा वो आप लोगों ने सीरियल्स में वगैरह ऐसा देखा होगा, वहां पे फॉरेन में मशीन्स होते हैं और उनमें अगर आप पैसा डालोगे तो उसमें से वो चीज बाहर आती है, जैसे पेप्सी के लिए होता है उतने पैसे डालोगे तो वो चीज बाहर आती है, ऐसा कुछ होता है। तो वैसे ये ऑटोमेट होते हैं एटीएम मशीन के जैसे, उस मशीन के जैसे जिसमें से ये सारी चीजें बाहर आती है, इसलिए जूस ऑटोमेट मतलब ड्राफ्ट ऑटोमेट बियर ऑटोमेट काउगुमी ऑटोमेट ये सारी चीजें उन्होंने दी, ठीक है। तो अभी ये दो चीजों के लिए हो गया, अभी नेक्स्ट जो है सिर्फ हम लोग एक ही लेते हैं काफे उन टे, तो आपको पता है मीनिंग्स टे टी काफे कॉफी। ओके, तो हम लोग वो स्किप करके लास्ट वाला जो डायलॉग है ना वो ले लेते हैं, और व्यूटशन का मीनिंग होता है हॉट डॉग, ब्रेड के बीच में जो डाल के खाते हैं वो हॉट डॉग, दैट इज व्यूटशन। सो अवंतिका एंड श्लोक। यस मैम। या अवंतिका तुम फरसायुंग वाला पढ़ो, श्लोक तुम बाकी का बाद वाला पढ़ो। ओके, फरसायुंग क्या बेटो द कोम काइन व्यूटशन व्यूटशन इज देयर व्यूटशन ऑटोमेट कपुट डस्ट इज काइन व्यूटशन ऑटोमेट Dust is sign bonbon automat. Dust is kind Wurstchen automat. Nine. Dust is Wurstchen die automat bona bonbon automat. Oh, danke. Okay. Yeah. Very good. ठीक है, तो समझ में आ गया ये डायलॉग। इसमें नए वर्ड्स थे जो आपको देखने थे, और कैसे आप लोग कहाँ पे पूछ सकते हो कि कुछ कोई मशीन है जो बंद है, कापुट नया वर्ड हमने आज सीख लिया है, ये इतने सारे ऑटोमाट व्यूटशन ऑटोमाट काउगुमी ऑटोमाट जाफ्ट ऑटोमाट गेल्ड ऑटोमाट तो पता था, टे ऑटोमाट काफे ऑटोमाट ये सारी चीजें नहीं सीख लिए, डॉर्ट ये वर्ड एक नया है आज आप ऐड कर सकते हैं आपकी लिस्ट में। फर्सायुंग एक्सक्यूज मी एंचुएलडिगुंगेन जी, हमने एंचुएलडिगुंगेन पढ़ा था याद होगा अगर आपको, तो सिमिलरली वहां पे हम लोग फर्सायुंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी ये भी एक थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रैक्टिस है, तो हम लोग क्या करते हैं ये लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ने की सिर्फ प्रैक्टिस है, आपको कौन से वर्ड्स याद है वो आप कैसे यूज कर रहे हो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे मैंने डाल के रखा है, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल टेक प्रैक्टिस फॉर दिस। अभी जो हमें पढ़ना है वो भी थोड़ा सा ग्रामर वाला ही पार्ट है, देर दी दास आइन आइन आइन
काइन काइन काइन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी अगर हमें सेंटेंस में बोलना है कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई नोटबुक, ओके, और दिस इज योर नोटबुक, तो ऐसे जो योर माय है, ये जो वर्ड्स है हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं जर्मन में? सो दोज वर्ड्स आर माइन एंड डाइन, माइन फॉर माय, डाइन फॉर योर। तो आप लोग गेस कर सकते हो, अब जैसे इश इज फॉर आई, राइट, तो उस इश के हिसाब से हमारा जाता है माइन, ओके, मेरे लिए बोलना हो, माई इज रेफरेंस में बोलना हो तो यू विल यूज द वर्ड माइन। और हम लोग को पता है कि यू के लिए हम लोग डू यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन यू, इफ फैमिलियर, दैट पर्सन इज फैमिलियर टू यू, आर ही और शी इज ऑफ योर एज, देन यू यूज डू, तो वो डू के लिए आप लोग डाइन यूज करते हो उसके बाद, ठीक है, मतलब इज इट योर्स और इट इज योर पेन, ऐसा बोलना है तो डाइन आएगा, ठीक है, समझ गए? माइन और डाइन कहाँ पे यूज होता है? माइन का मीनिंग होता है माय, डाइन का मीनिंग होता है योर, सिंपल। अब इसमें कैसा है, अब जो मैं पहले लेक्चर से बोलती आई हूँ, जर्मन लैंग्वेज में हमें इंग्लिश के हिसाब से नहीं जाना है, इंग्लिश में अगर कोई भी होगा आगे नाउन, कुछ भी होगा, नोटबुक, टेबल, पेन, पेंसिल, फूड, एनीथिंग, उसके पहले माई ही आएगा, राइट, स्ट्रेट अवे हम लोग एम वाई लिखेंगे, मैटर फिनिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, अगर वो मास्कुलिन है तो माइन आएगा, फेमिनिन है तो माइन आएगा, और न्यूटर है तो भी माइन, न्यूटर है तो माइन आएगा, और प्लूरल है तो माइन आएगा। इज द स्क्रीन विजिबल? या हाँ, तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो कुछ जिस चीज के बारे में आप लोग बोल रहे हो, अभी जैसा मैं सेंटेंसेस पढ़ के बताती हूँ आपको, इश इश के हिसाब से हमें जाना है तो इश में आएगा मेनली माय, दास इस्ट माइन ज़ाफ्ट, ओके, इसका मीनिंग होगा ये मेरा जूस है, दिस इज माय जूस। उसी के हिसाब से हमारा सेकंड सेंटेंस है दास इस्ट, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती तो दास इस्ट माइन साइटुंग ऐसा बोल सकते थे, बट हमें यहाँ पे माइन नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि साइटुंग के लिए कौन सा आर्टिकल हमने देखा था, याद है आपको, दी साइटुंग, या रिमेम्बर जब हमने साइटुंग पढ़ा था तब हमने देखा था कि साइटुंग के पीछे जो डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है दैट इज दी साइटुंग, और इसलिए यहाँ पे दास इस्ट माइनर साइटुंग आएगा, ओके, माइन साइटुंग नहीं होगा, माइनर साइटुंग। उसके बाद सिमिलरली दास इस्ट माइन टेलीफोन, अब यहाँ पे फिर से हमने माइन लगा लिया, माइन क्यों लगाया, क्योंकि दास टेलीफोन, दास के साथ न्यूटर है तो माइन ही यूज होगा, जैसे आइन 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 होगा, सिमिलरली माइन माइनर माइन, दास जिंड माइनर ब्लूमेन, वारुम माइनर ब्लूमेन, ब्लूमेन प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें पता है कि दी यूज होता है, सो इन दैट सेंस दी, और जैसे काइनर लगा था वैसे ही फिर माइनर, दास जिंड, अब जिंड क्या है, जिंड याद है हमने, जिंड ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा है, ऊपर तो सारे इस्ट 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 लिखे हैं, तीनों ए बी सी तीनों में इस्ट लिखा है, सिर्फ जो डी सेंटेंस है उसमें जिंड ऐड किया है, कैन यू गेस व्हाई, इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इट आइदर इन द चैट बॉक्स और राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन टेल यू टू स्विच ऑन योर माइक। यस, कोई गेस अगर नहीं होगा तो चैट बॉक्स में वैसे भी बता दीजिए कि नहीं पता चल रहा है कि क्या क्यों लास्ट सेंटेंस में दस जिंड आया। ओके, सो रिया इज सेइंग दैट ब्लूमेन इज प्लूरल, दैट्स व्हाई जिंड, ओके, सो दैट जिंड इज बिकॉज, प्लीज रिमेंबर हियर कॉन्जुगेशन ऑफ इश बिन डू बिस्ट एर जी एस इस्ट वियर जिंड ईयर जाइड जी जी जिंड, ये कॉन्जुगेशन याद आया सबको? तो जब प्लूरल चीज होगी कोई भी, प्रोनाउंस के हिसाब से मैंने कॉन्जुगेशन बताया आपको,
तो अगर कोई भी चीज प्लूरल होगी तो उसके लिए हमें जिंड यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर चीज के लिए हमें इस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके ये जो टू बी वाला, टू बी के सिमिलर जो हमारा कॉन्जुगेशन होता है, इश बिन वाला, जिंड वाला, जाइन वाला कॉन्जुगेशन, टू बी जाइन, जाइन का कॉन्जुगेशन है ना, उस हिसाब से यहाँ पे जिंड आया। सो रिया योर आंसर वॉज करेक्ट दैट बिकॉज ब्लूमेन इज प्लूरल, ब्लूमेन मीन्स फ्लावर्स, सो दीज आर माई फ्लावर्स, दीज आर माई फ्लावर्स, ऐसा हम लोग बोलेंगे ना इंग्लिश में। तो जो जैसे इंग्लिश में हम लोग दीज आर करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ा। अगर ऊपर जो ऊपर के सेंटेंसेस है इसमें टेलीफोन आया था तो दिस इज माई टेलीफोन, ओके, तो हमने इंग्लिश में भी इज यूज किया। इंग्लिश में टू बी के कैसे आते हैं, इज और आर होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस्ट एंड जिंड। फॉर सिंगुलर वी विल यूज इस्ट, फॉर प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज जिंड, ओके। तो क्योंकि ये ब्लूमेन था इसलिए सेंटेंस में जिंड आया। हमने ग्रामर का एक और रूल पढ़ा था कि देयर शुड बी द वर्ब शुड बी ऑलवेज ऑन सेकेंड पोजिशन ऑफ योर सेंटेंस, सो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन ऑल दीज सेंटेंसेस। दास इस्ट, दिस इज सेकेंड पोजिशन इन द सेंटेंस एंड देयरफॉर वर्ब इज ऑलवेज हियर ऑन द सेकेंड पोजिशन, ओके। सो दास इस्ट माइंस आफ्ट। सिमिलरली अगर हमें ये यू आर के बारे में बोलना है, विल कीप ऑल द नाउन्स ऑल द थिंग्स एज इट इज, जस्ट विल चेंज हियर, दास इस्ट दाइन ज़ाफ्ट, दिस मीन्स दैट दिस इज, दास इस्ट दाइन साइटुंग, ओके। यहाँ पे हमें यूज करते वक्त दाइन डालना जरूरी है, दाइन क्यों? मैसेज मिला आपको, दाइन का स्पेलिंग आया अब तक? या सो यहाँ पे दाइन डालना जरूरी है, वारुम, बिकॉज साइटुंग, दी साइटुंग, दाइन साइटुंग, डन। दास इस्ट दाइन टेलीफोन एंड दास जिंड दाइन ब्लूमेन, सिमिलर लॉजिक दैट आइन जैसे, काइन जैसे लगता है, दी ब्लूमेन होता है इसलिए दाइन। Is it clear? Yeah, please write in the chat box. Is it clear completely? Because अभी हम लोग सिर्फ इश और दू के लिए जो है, माय और योर, ये सिर्फ दो चीजें हमने पढ़ी, माइन एंड दाइन। सिमिलरली हमें हर एक प्रोनाउन के बारे में पढ़ते जाना है, ओके। जैसे इंग्लिश में अवर होता है, वी के लिए अगर वी के बारे में बोल रहे तो अवर यूज करते हैं। सिमिलरली हमें जर्मन में पढ़ते जाना है और उस सब में भी हमें ये चीज लगने वाली है कि उसके आगे ई लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगने वाला है तो किस रूल से, ओके। सो ऑल दिस इज वेरी इसेंशियल, इसलिए अभी कुछ अगर डाउट्स होंगे तो पूछ लो, एक बार हम लोग रिविजन कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक के बाद एक आपको सेंटेंसेस बोलते जाने हैं तीनों को, कैसे सिक्वेंस में, Das ist mein, इसमें से ये जो वर्ड है ein Sohn, das ist dein Sohn, ओके, ये पहला वाला बोलेगा। इसके बाद वाले जो तीन सेंटेंसेस है, मैंने जैसे ये अभी पढ़ा कि ए और ई ये दोनों एक, मतलब माइन और दाइन ये एक साथ पढ़ लिया, वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। Das ist dash, इसमें आप माइन दाइन माइन दाइन जो कुछ यूज करना चाहते हो वो, और उसके बाद जो भी कुछ वर्ड आपको बोलना होगा वो यहाँ पे, आइदर यू कैन यूज साइटुंग ओडर, यू कैन यूज डॉक्टर, और अगर आपको कुछ और वर्ड यूज करना है जो जितने हमने पढ़े हैं उसमें से कोई भी यूज, कोई भी वर्ड आपको पिक करके यूज करना, सो यू कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है हमें? तीन सेंटेंसेस बचे हैं, ए वाला मैंने करके दिखाया, Das ist mein Saft, das ist dein Saft. Similarly, das ist mein Sohn, das ist dein Sohn. वैसे आगे हम लोग कैसे करते जाएंगे वो हमें देखना है. So we'll start with Avantika. Please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. Das ist mein Doktor. Das ist dein Doktor. Deine Doktor. Yeah, sehr gut. You can switch off your mic now. Next, Riya. Yeah, das ist mein
kind. Das ist deine, das ist dein Kind. Ja, sehr gut. Shlok? Yes, ma'am. Yeah, last sentence. Das sind mein Blumen. Meine Blumen, plural hai na, so isliye meine Blumen. Meine Blumen. Next. Ma'am, das sind H wala na ma'am. हाँ एच वाला नहीं एच वाला एच वाला दास सिंड माइन ब्लूमेन नहीं अभी एक हो गया आपका दास सिंड माइनर ब्लूमेन मेरे फूल है ऐसा आप बोल रहे हो तो दास सिंड माइनर ब्लूमेन और दास सिंड अभी तुम्हारे फूल है ऐसा बोलना है आपको सो व्हाट यू विल यूज फॉर योर डाइनो डाइनो बिकॉज ये प्लूरल है इसलिए दास सिंड डाइनो ब्लूमेन यस मैम या वेरी गुड या तो आप ये नीचे वाले भी यूज कर सकते हो दास जेंड माइनर किंडर दास जेंड डाइनर किंडर ओके सो आप एक काम कीजिए आपके नोटबुक में ना एक चार्ट बना दीजिए सब लोग यू कैन स्विच ऑफ योर माइक लोग या तो आप सब लोग एक चार्ट बना सकते हो जिसमें आप कैसे लिखोगे सिर्फ वेर बी दास रिया प्लीज स्विच ऑफ योर माइक या डांको तो एक चार्ट बना दीजिए जिसमें आप कॉलम बनाओगे पहले कॉलम में आएगा देर दी दास दूसरे कॉलम में आएगा आइन 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 तीसरे कॉलम में आएगा काइन 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 तो मतलब डेफिनेट पहले वाले डेफिनेट आर्टिकल का कॉलम होगा दूसरे जो दो होंगे वो इनडेफिनेट आर्टिकल वाले होंगे उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल पॉजिटिव के लिए आइन 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 निगेटिव सेंटेंस के लिए काइन 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 और सिमिलरली माई के लिए माइन माइनर माइन और योर के लिए दाइन दाइनर दाइन सो यू कैन कंटिन्यू दिस कॉलम कहाँ तक जब तक हम लोग पूरा नहीं कर लेते अभी तो हमने सिर्फ इश और दू किए हैं ये दो प्रोनाउंस के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे उनका ये पढ़ा है अभी हमें और क्या 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 पढ़ना है तो जो आगे वाले है एर जी एस इस हर एक चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे उसके बाद वियर के लिए क्या यूज करेंगे ईयर के लिए क्या यूज करेंगे और जी के लिए क्या यूज करेंगे तो इतनी सारी चीजें तो इतने सारे कॉलम्स आपके ऐड हो जाएंगे एंड ये जो कॉलम्स आप करोगे वो कहीं पे रूम में चिपका दीजिए ताकि आते जाते उस पे नजर रहे और हमेशा याद रहे कोई भी वर्ड जर्मन का नया हमारे सामने आया इफ इट इज नॉट वर्ब यू आर गोइंग टू आस्क फॉर वेदर इट इज देर दी ओर दास ठीक है क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि वो देर दी दास के कौन से कैटेगरी में जाता है तभी आप ये समझ पाओगे कि वेदर यू हैव टू राइट माइनर ओर डाइनर ओर डाइन ओर माइन इसमें से क्या अटैच करना है ये आपको तभी पता चलेगा और इन सब के हिसाब से ही आपका वर्ब भी कॉन्जुगेट होगा तो दैट इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ठीक है जैसे कि अभी ओके दी ब्लू मून दी ब्लू मैन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है लेकिन दास जेंड माइनर ब्लूम और दास जेंड माइनर ब्लूमैन इसमें हमारा सिर्फ वर्ब चेंज हुआ माइनर तो एज इट इज रहा एक बार ब्लूम था क्योंकि ब्लूम फ्लावर्स के लिए भी जो आर्टिकल है दैट इज फेमिनिन दैट इज दी ओनली तो इसलिए माइनर ही आएगा बट अगर हम उसका प्लूरल यूज कर रहे हैं जैसे ब्लूमेन यूज कर रहे हैं तो तब भी हमारा दाइन माइनर ही होगा लेकिन वर्ब चेंज होगा ओके तो आपका जो भी कोई वर्ड होगा उसका आर्टिकल उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म उसके हिसाब से आपका पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है ओके सो होल ग्रामर डिपेंड्स ओनली ऑन दिस थिंग दैट वेदर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज अंडर विच कैटेगरी देयर दी ओर दास ओके सो अभी ये एक पोएम है ये बहुत दिनों से पढ़नी थी हमें पर वो पीछे ही रह रही थी सो वी विल फर्स्ट रीड दिस पोएम देन उसमें जो चीजें जो वर्ड नए हैं वो देखेंगे जिनका कॉन्जुगेशन हमें ऐसा लगता है कि करना क्लास में जरूरी है तो उनका कॉन्जुगेशन भी पढ़ लेंगे ठीक है सो हु विल स्टार्ट रीडिंग द पोएम प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स सो दैट या हु विल रीड द पोएम
कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स है, हमने अभी तक तो बहुत पढ़ लिए है ये. यस श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक. आइन बानहॉफ मेंशन कॉमन उन गे हैं लाखन उन वियनन आइन जुक कुम्ड टूरिस्टन सी रीजन सी विंकन आइन मार्क मार्श मेंशन एन मेंशन एस लाख आइन फ्राउ आइन मान एर साउथ ऑफ विदर जे हैं आइन कुस Aber sie wind, where is der Mann? Wie heißt die Frau? Wo wohnt wo wohnt sie? Sie ist jung, ist jung. Sie sind verliebt. Der Mann winkt, die Frau geht. Menschen kommen und gehen, lachen und weinen. Weinen. Oh, Bahnhof. Ja, sehr gut. Danke. So ein Bahnhof. Can you guess the meaning of this word Bahnhof? Station. Okay, railway station. मैंने guess करने के लिए क्यों कहा तो यहाँ पे एक ये hint थी. Ein Zug kommt. And we have already seen this word that Zug. That Zug bedeutet train. Right? और train कहाँ पे आती है? Railway station पे. So Bahnhof. The meaning of this word is railway station or yeah. रेलवे स्टेशन. और उसमें भी एक एडिशनल वर्ड बता देती हूँ मैं आपको, हाउप्ट बानहॉफ. हाउप्ट बानहॉफ दिस मीन्स, हाउप्ट मीन्स मेन, तो जो मेन रेलवे स्टेशन होगा उसे हाउप्ट बानहॉफ बोलेंगे. ओके सो आइन बानहॉफ. मेंशन, मेंशन मतलब लोग, पीपल. कॉमन उंड गेहन, कॉमन मीनिंग आपको पता है कमिंग. गेहन, गेहन का मीनिंग यस, कुछ गेस कर रहे कर सकते हो गेहन का मीनिंग क्या होगा? या कॉमन उंड गेहन, इस हिसाब से थोड़ा सा देखोगे तो भी पता चलेगा. नाइन वॉक नहीं हो रहा. गेहन का ज्यादा अच्छा मीनिंग, यस राइट. कम एंड गो, तो गो के हिसाब से गेहन मोस्टली यूज किया जाता है. ओके वॉक के हिसाब से कम मतलब मीनिंग अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से देखने जाओगे तो वॉक आएगा, लेकिन मेनली मीनिंग गेहन का गो के हिसाब से यूज किया जाता है. ओके इश गे हो दैट इज आई एम गोइंग. ठीक है, तो गेहन का मेन मीनिंग आप टू गो ऐसा लिख के रखिए आपके नोटबुक में. और गेहन का जो कॉन्जुगेशन है दैट आई विल टेल यू इश गेह दू दू गेट्स्ट एर जी एस. ये तीनों के लिए मैं सिर्फ एर लिखती हूँ, आपके नोटबुक में आप एर जी एस लिख के लीजिए. एर गेट वियर वियर गेहन ईयर गेट उन जी जी गेहन. ओके प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक. ओके वो दू के बीच में मैंने गलती से एक डी टी ऐड कर दिया, वो मिटा दीजिए. दू गेट्स कर दीजिए सिर्फ. ओके मैंने मैंने गलती से जी ई एच टी लिख के
फिर एस टी लिखा, वो बीच वाला टी नहीं चाहिए, GEHST, सिर्फ इतना ही चाहिए, डू गेस्ट। ओके, अब आप एक याद कर सकते हो जो हमने लेक्चर के शुरुआत में देखा था, वी गेटेस, वी गेटेस, तो इसमें एर जी एस वाला एस आया और इसलिए हमने वर्ब जो था गेहन उसी का कॉन्जुगेशन गेट, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ओके, सो वो उसमें हमने गेट यूज किया था, गेहन वाला ही, तो इसलिए हमने वहां पे GEHT गेट यूज किया, जो कि जैसे एर जी एस में आता है। ओके, तो ये हो गया लाख, लाखन उंड वाइनन, लाखन लाफिंग, लाखन हमने बहुत बार देख लिया है, उंड वाइनन, वाइनन भी हमने देखा था, दस बेबी वाइंड, ऐसा हमने पढ़ा था, एक पोस्टर था जिसमें बेबी की कुछ एक्टिविटी चल रही थी और वहां पे ऐसा सेंटेंस था, दस बेबी वाइंड। तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वाइन, वर्ब वाइनन, ज़ेगुट क्राई। इसका कॉन्जुगेशन भी हमने तभी किया था, बट फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, वाइनन और लाखन दोनों का सेम लाइन में जाएगा, इश वाइन, दू वाइंस्ट, एरजीएस वाइंट, वियर वाइनन, ईयर वाइंट, जी जी वाइनन। ओके, लाखन का हमने तब पढ़ा था कॉन्जुगेशन अच्छे से, तो इसलिए मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगी वो वाला। आइन सुग कॉम्प्ट, अभी आइन, आइन का यूज हमने पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि एक ट्रेन आ रही है ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आइन यूज किया है। देर सुग, सुग का मीनिंग भी आपको पता है, कॉम्प्ट। अब ये कॉम्प्ट यहाँ पे आइन सुग कॉमन ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉमन ये वर्ब हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमें किसी प्लूरल बारे में बोलना हो। ओके, तो अगर प्लूरल वर्ड है तो कॉमन आएगा, यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है, आइन सुग इज सिंगुलर, राइट, एक ट्रेन आ रही है, तो इसलिए आइन सुग कॉम्प्ट, इसलिए ये वर्ब का कॉन्जुगेशन वैसा हो गया। टूरिस्टन, टूरिस्टन मीनिंग यू नो, जी राइजन, अभी ये राइजन वर्ब हमें नया आया है, राइजन इज टू ट्रेवल। ओके, राइजन का मीनिंग होता है टू ट्रेवल, राइजन का भी कॉन्जुगेशन लाखन जैसा ही होगा, इश राइज, दू अभी, या सो राइजन, ये इसका मीनिंग होगा आपका ट्रैवल, और क्योंकि टूरिस्ट इन के बारे में है, टूरिस्ट के बारे में है, तो इसलिए इनका जी राइजन ऐसा हो रहा है, राइट। यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन हमने यूज नहीं किया राइजन का, जो लास्ट फॉर्म था वही यूज किया। ओके, सो इश राइज, दू राइस्ट, एरजीएस राइस्ट, वियर राइजन, ईयर राइस्ट, उन जी जी राइजन। ओके, प्लूरल के लिए था इसलिए राइजन यहाँ पे यूज हो गया है। नेक्स्ट इज जी विंकन, विंकन भी हमने पढ़ा था, द टूरिस्ट इन विंक, द फुटबॉल फैंस विंकन, ऐसा हमने सेंटेंस पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर दिस सेंटेंस, जी जिंड फुटबॉल फैंस, जी विंकन, याद है विंकन का मीनिंग, या बेटा, या वेरी गुड, वेविंग। आइन मेडिसिन, मेडिसिन का मीनिंग भी हमें पता है, एस लाक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रामर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, देखिए आइन मेडिसिन है, आइन एक के लिए यूज किया, वाई आइन, वाई नॉट आइन, इज बिकॉज मेडिसिन का, ओके आप ही बता दीजिए मेडिसिन का आर्टिकल क्या होता है, देयर दी ऑर्डर दास, या श्लोक, रिया, अवंतिका, व्हाट इज आर्टिकल फॉर मेडिसिन, देखा है हमने इसलिए पूछ रही हूं मैं, डिमर्शन ना नाइन, दैट इज दास मेडिसिन। ओके, दी फ्राउ होता है लेकिन दास मेडिसिन। ओके, लेडी के हिसाब से ही हम लोग बोलने जाते हैं, इसलिए हम लोग वो फेमिनिन दिमाग में आता है हमारे, और इसलिए दी लग जाता है, ये कॉमन मिस्टेक है एकदम,
लेकिन मेडिसिन का आर्टिकल दास मेडिसिन होता है, ठीक है? तो ये याद कर लीजिए पहले कि मेडिसिन का आर्टिकल है दास, और क्योंकि दास के आगे अगर हम लोग आइन यूज करना चाहते हैं तो मतलब दास की जगह डेफिनेट आर्टिकल की जगह हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना था, दैट वाज आइन, सो इसलिए हमने आइन मेडिसिन यूज किया। अगर दी होता तो हम लोग यहाँ पे आइन लिखते, बट क्योंकि ये दी नहीं है दास है इसलिए हमने आइन मेडिसिन लिखा। उसके बाद क्या है एस लाक्ट, अब इसी मेडिसिन के बारे में जो आइन मेडिसिन मेंशन किया गया है उस औरत के बारे में हम लोग बोल रहे आगे, इसलिए एस आया। एस इज प्रोनाउन एंड दैट एस प्रोनाउन इज फॉर न्यूटर। ओके, तो न्यूटर के लिए हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है दास। दास ये मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए उसके हिसाब से प्रोनाउन यूज किया एस। एर और जी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? अगर मास्कुलीन होता, अगर न्यूटर होता तो एर, या सॉरी मास्कुलीन होता तो एर आता, फेमिनिन होता तो जी आता, लेकिन यहाँ पे न्यूटर है बिकॉज दास मेडिसिन, दास इज यूज फॉर न्यूटर, उस हिसाब से आइन मेडिसिन हुआ, और उसी हिसाब से उस फीमेल के बारे में हम लोग बोल रहे थे इसलिए एस लाक्ट हो। ओके, तो ये एस लाक्ट क्यों हुआ ये पता चला आपको? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जब ग्रामर पढ़ेंगे तब करने ही वाले हैं, बट अभी सामने आए इसलिए मैंने बोल दिया। पता चल गया ना, क्योंकि दास है इसलिए ये हो गया। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगले सेंटेंस का ये करना चाहती हूँ तो अगले सेंटेंस में हमें क्या दिया है, आइनो फ्राउ। ओके, अब फ्राउ के लिए जो आर्टिकल है दैट इज दी, दी फ्राउ, तो दी फ्राउ के हिसाब से हुआ आइनो फ्राउ। अगर मुझे उसके हंसने के बारे में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी, डैश डैश। एक सेंटेंस आप करके बता पाओगे, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आइनो फ्राउ। और जैसे ऊपर हमने देखा था आइन मेडिसिन एस लाक्ट, सिमिलरली हम लोग कैसे कर पाएंगे, आइनो फ्राउ और डैश डैश क्या आएगा आगे, एक ट्राई कर लीजिए बस। इज माई क्वेश्चन क्लियर? या बेटा प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, इज माई क्वेश्चन क्लियर? या सो आंसर कीजिए प्लीज कि आइन मेडिसिन है एस लाक्ट। सिमिलर मैंने सेकेंड सेंटेंस दिया है आपको, आइन अ फ्राउ, और आगे के सिर्फ दो वर्ड्स आपको बताने हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई कीजिए, सिर्फ अगर नहीं आता है दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, रिया का आंसर है जी लाक्ट। बाकी के दोनों का, श्लोक और अवंतिका, आपका क्या आंसर है? आई नो फ्राउ, उसके आगे क्या लिखोगे आप? श्लोक का भी आंसर है जी लाक्ट। अवंतिका ओके, वेरी गुड, जी लाक्ट इज ऋषिश। क्यों? क्योंकि आइना फ्राउ है, दी फ्राउ, आइना फ्राउ, और आइना फेमिनिन के लिए हम लोग यूज करते हैं जी, तो इसलिए जी लाक्ट। एक इतना अच्छे से आपने आंसर किया इसलिए एक और पूछ लेती हूँ, दैट आइन मान, इसके आगे क्या करोगे? आइन मान, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा आपका? जेर गुड, एर लाक्ट, ठीक है? तो पता चल गया एर जी एस हम लोग कब कब यूज करेंगे, तो अगर आइन देर, आइन एर, और उसके जैसे ही दी आइन जी दास आइन एस, ठीक है? तो एर जी एस का यूज भी हमने एक शॉर्ट में अभी देख लिया,
डिटेल में मैं चार्ट बना के आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, जैसे हमने काइन माइनर डाइनर ये सब पढ़ा वैसे ही। नेक्स्ट इज एर जाग्ट। जाग्ट इज जागेन, ये वर्ब है, जागेन टू से। इश जाग, दू जाग्ट, एर जी एस जाग्ट, वियर जागेन, ईयर जाग्ट, उन जी जी जागेन। ओके, तो ये जागेन के हिसाब से, एर के हिसाब से आया जाग्ट। Auf Wiedersehen. Was bedeutet Auf Wiedersehen? See you later. एकदम word to word translation किया जाए तो see you later. Bye. In short, bye. Ein Kuss. Kuss a way of English. Aber sie weint. Aber but sie sie here is sie she weint. रो रही है. Where is their man? Who is that man? We heist the Frau. उस औरत का नाम क्या होगा? वो वोंट एयर, वो लोग कहाँ पे रह रहे होंगे? वो वोंट जी, वो कहाँ पे रह रही होगी? जी इस्ट यंग, शी इज यंग, एयर इस्ट यंग, ही इज यंग, जी जिंड फेरलिप्ट, फेरलिप्ट, दे आर इन लव। सो इसके लिए ये जी जिंड फेरलिप्ट ऐसा सेंटेंस आएगा। देर मान विंक्ड, विंक्ड अगेन विंकेन का कॉन्जुगेशन। दी फ्राउ गेट, वो जो दैट लेडी इज गोइंग, गेट गेहन के लिए कॉन्जुगेशन। मेंशन कॉमन उंड गेहन, लाखन उंड वाइनन, आइन बानहॉफ। तो ये एक स्टेशन का जो माहौल है वो एक्सप्लेन किया है सिर्फ, ठीक है, कि लोग हंस रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, कोई किसी जर्नी के लिए जा रहे हैं तो हंस रहे हैं, राइज एंड जर्नी। तो सिर्फ पोएम इसलिए है क्योंकि आपको नए नए वर्ब्स की इंट्रोडक्शन हो, उनका कॉन्जुगेशन कैसे कर पाते हैं वो देखना है, और नए नए वर्ड्स की एडिशन। ओके, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, आई थिंक वी हैव ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, सो वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ। अब भी किसी को कुछ डाउट है हमने आज तक पढ़ा उसके बीच में? ये एक मैंने स्क्रीन पे टेबल शेयर किया है, आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और मेक अ नोट ऑफ इट। इसमें हाबेन और जाइन, ये जो दो वर्ब्स है इनके कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से लोगों के होमवर्क में मैंने चेक किया कि जाइन का कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आया था, तो वो जाइन का कॉन्जुगेशन आपके स्क्रीन पे है अभी, तो वो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। बाकी कॉमन, वोनन, अरबाइटन, हाइसेन, उसका तो आप सब लोगों ने ठीक ही लिखा है, मतलब करेक्ट लिखा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाबेन का कॉन्जुगेशन हम लोग लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। हाबेन मीन्स टू हैव, इंग्लिश में भी हमें पता है कि टू बी और टू हैव ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके से चलती है बाकी वर्ब्स के हिसाब से, तो यहाँ पे भी सेम है। हाबेन टू हैव उसका कॉन्जुगेशन, और जाइन, जाइन जैसे टू बी, इश बिन, डू बीस्ट ये वाला, तो उसका कॉन्जुगेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग है। बाकी के हम लोग गेस कर सकते हैं, दू के आगे क्या आएगा, एरजीएस के आगे क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है गेस करना, इसलिए ट्राई टू मेमोराइज दिस टू। ओके, सो आर यू डन विद टेकिंग स्क्रीनशॉट और राइटिंग इट डाउन? या बेटा, हेलो, ओके, वेरी गुड, देन वी विल स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, या डांका उन चूस। डांका उन चूस मैम। Yeah, done.